वालेकुम दोस्तों, आवाज आ रही है? वालेकुम अच्छा अस्सलाम। जी सर, आ रही है। भाई, तो आज 2023 का आखिरी दिन आप लोगों के साथ, माशाल्लाह। तो कैसा रहा भाई, क्या अचीवमेंट हुई, क्या गोल आपने सेट किए थे और कहाँ तक जो है वो आप पहुंचे? एक थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डालेंगे हम। दूसरा, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या चीज जो है वो देखी थी, कोई भी वॉलंटियरली बता सकता है। कोई भी बता सकता है क्या चीज देखी? ठीक हो गया सारे, आपने जो है डेवलपमेंट की है। अच्छा ठीक है, आपने डेवलपमेंट की आपको एक्सपीरियंस और अर्निंग के हवाले से। अच्छा, अर्निंग इन 2023 नॉट अ बिग डील, राइट? क्यों? उसका रीजन क्योंकि हमारे पास इतने वेंचर्स आ चुके हैं, इतनी डिफरेंट चीजें आ चुकी हैं कि आप बंदा क्यों खुद अगर सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत मदम आ रही है। शायद बाइक जो है वो चेंज है। एक मिनट, आई नीड टू स्विच स्पीकर टू। अब बताएं, आप सही आ रही है आवाज? जी सर, आप ठीक है? हेलो, आवाज सही आ रही है? हेलो, जी सर, आप आ रही है। हेलो 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 हेलो, ठीक हो गया? ठीक है जनाब। तो सारे, मैं आपसे पहले तो ये कहूँगा कि अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया डेवलपमेंट का, तो अब आपको मार्केट के अंदर जाना है। तो फर्स्ट तो ये कि आप किसी इंटर्नशिप के अंदर अपने आप को इनरोल करें। सेकेंडली, आप किसी जूनियर पोजीशन पे जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। प्लेटफॉर्म आप सब लोगों को पता है भाई, कहाँ किस तरीके से जॉब सर्च करनी है, आइडिया है आप लोगों को। अच्छा, ये थोड़ा सा ग्रूमिंग सेशन भी आप समझ लें, ईयर का लास्ट है, वाइंड अप सेशन होगा। हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट मैं भी कुछ आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जिसके ऊपर आप फोकस करें। अभी अगर आप करेंगे तो मे बी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाए। ठीक है जनाब, तो स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है जनाब, स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा, सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी है वो ये कि अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनानी है। अच्छा, वो कैसे आपने बनानी है भाई? आप सबसे पहले आ जाएं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये अगर आप देखें, ये कुछ इस तरीके से देखिए, मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आए। सही है, एक तो ये टाइटल आपकी जॉब से, जो आप सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, आपकी जो भी एक्सपर्टीज है, लाइक सपोज वेब डेवलपमेंट है, जो भी है, आप वो इसके अंदर करें। अच्छा, फॉर द बिगिनर लेवल आप क्या करेंगे? फॉर द बिगिनर लेवल आप इसके अंदर डालेंगे, आपके पास अगर कुछ सर्टिफिकेशन हैं वो आप लिखें, जैसे यहाँ पर लिखा हो ना, ऑन प्रेम, AWS एंड एज्योर, वो आप इसके अंदर डालें। अगर आपने कोई यूडेसिटी या कोई कोर्सेरा पे कोर्स किया हुआ है वो डालें, उसका सर्टिफिकेट लगाएं, पहली चीज। दूसरा, ये जो डिस्क्रिप्शन है आपकी अबाउट, ये आपके जो मेन चीजें हैं, जो आप प्रोफिशिएंट हैं उसको रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे आपने लाजमी देखना है। और ये इंग्लिश थोड़ी सी जो है ना, आपने कोशिश करनी है कि अच्छी हो। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें ग्रामर चेक करनी है तो मैं आपको एक टूल बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड क्विल बॉट। अच्छा, इसका पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है। तो फ्री वर्जन में आप आएंगे यहाँ पे, और ग्रामर चेक पे आप अपनी जो भी कोई मिस्टेक्स हैं वो यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं टेक्स्ट से। ठीक है, फ्री वर्जन में ये कुछ लिमिटेड वर्ड्स देता है, अदरवाइज इसका पेड वर्जन भी होता है। सही है। अच्छा, ये बनाना मार्केट के अंदर आप समझ लें अपना स्टॉल लगाने के मुतरातिक है। ठीक
ठीक है, अगर ये आपकी सही होगी तो आएगा, अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे, अच्छा ये मैंने यार यहाँ पे कोई कमेंट किया हुआ, ये अभी तक पहुँचा नहीं है, कल तक इसको 57 पे जाना चाहिए, तो मैं एक सर्टिफिकेशन करूँगा। अच्छा ये पता नहीं मैंने किस पे कमेंट किया था, एक्सपीरियंस, ये अगर आपके पास है जिसमें आप लगेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप जस्ट अपनी यहाँ पे लिखेंगे कि भाई अगर कोई वॉलंटियर काम किया आपने, मिसाल के तौर पर सालानी में आपने किसी टीचर के साथ जो है वो असिस्टेंट किया है, या व्हाट सो एवर कहीं पे भी आपने कोई वॉलंटियर सर्विसेज दी हैं, तो वो यहाँ पे आप दें, लिखें, लाजमी लिखें, क्योंकि यही आपको स्टैंड आउट करेगी दूसरों से। नेक्स्ट ये आपकी एजुकेशन आ गई। इसके अलावा जो हमारे पास आता है वो सर्टिफिकेशन वाला पार्ट आता है। अच्छा अब ये जो मेरे पास सर्टिफिकेशन है ये सारी की सारी है पेड। अच्छा अब आप बोलेंगे कि सर पेड पैसे हैं ये कहाँ से आएंगे, तो इसके बरक्स आप क्या करें, यहाँ पे होता है लिंक्डइन एग्जाम, अगर आप जाएं लिखें लिंक्डइन PHP एग्जाम, ये असेसमेंट लिखें, ये तो आंसर भी ले आया हमें, लो यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये आप आ जाएं अवेलेबल लिंक्डइन स्किल असेसमेंट, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपकी GD यानी कि जो आप टारगेट कर रहे हैं जॉब उससे रिलेटेड जो भी असेसमेंट है वो आपने जो है अटेंड करना है, ठीक है जनाब। और यहाँ पे आए, आई थिंक यहाँ पे ये आपको बताएगा कि ये कहाँ से ये होता है, मैं एक सेकंड वो लिंक निकालूँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे, कहाँ चला गया, एक मिनट रुकना, लिंक्डइन असेसमेंट स्किल असेसमेंट, ठीक है यहाँ पे। अच्छा ये देख रहे हैं आप, ये विंडोज सर्वर लिनक्स, अच्छा यहाँ पे शायद ऑप्शन भी होगा कि कहाँ से ये असेसमेंट दिया जाए, वो लिंक आइए आगे से स्किल्स है, फिर लिंक किधर चला गया, टेक स्किल क्विज, ठीक है स्क्रोल डाउन स्किल, अच्छा होम पे गए, टेकिंग स्किल असेसमेंट इज वेरी फ्री, यू कैन गेट प्रोफाइल पिक्चर एट द रॉट टाइम कॉर्नर व्यू प्रोफाइल, ठीक है प्रोफाइल पे गए स्किल सेक्शन, ठीक है भाई ये हम गए प्रोफाइल पे स्किल सेक्शन पे, व्यू प्रोफाइल स्किल सेक्शन, ये चेक कीजिएगा, इन्होंने शायद चेंज किया है यहाँ पे स्किल सेक्शन, आई थिंक यहाँ से हमें करना पड़ेगा, हम करेंगे यहाँ पे लेट सपोज AWS, ये ऐड करने का कह रहा है, नो थैंक्स, कहाँ चला गया, स्क्रॉल डाउन स्किल सेक्शन ऑन योर प्रोफाइल टॉप सेक्शन, वेल डन रीटेक स्किल क्विज, स्क्रॉल डाउन स्किल सेक्शन ऑफ योर प्रोफाइल इन द टॉप राइट सिलेक्ट द बटन, फिर ये बटन क्यों नहीं आ रहा, कोई स्किल बताएं जो बिल्कुल नहीं हो, डिस्कार्ड, क्यों नहीं आ रहा यार,
स्किल एग्जाम पास्ट ऑन। पाइथन प्रोग्रामिंग, पीएचपी आ गया। ये किसी को है रिसेंट आईडी? इन्होंने शायद चेंज किए सेटिंग, वरना ये आना चाहिए था ना। हम देते हैं कोटलिन मैटलैब पीएचपी। यार पता नहीं कहाँ यार लिंक ही नहीं मिल रहा। चेक करें आप, कोई सिली सी मिस्टेक हो रही है मेरे से। एक सेकंड, दोबारा जाते हैं हम। इंडस्ट्री नॉलेज टेक्नोलॉजी। इफ यू नो व्हाट योर असेसमेंट यू कैन सर्च इट ऑन ऑन द बॉक्स इन द टॉप राइट एंड यू कैन गो थ्रू इंडस्ट्री नॉलेज। इंडस्ट्री नॉलेज में और यू कैन गो थ्रू टेक्नोलॉजी सेक्शन स्किल असेसमेंट। ये ऑप्शन नहीं आ रहा। टेक स्किल क्विज, कहीं इन्होंने रिमूव तो नहीं कर दिया? क्योंकि देखें हम यहीं पे हैं, यहाँ पे आना चाहिए था। आप चेक करें जरा आप सर, लोग। जॉब सर जॉब्स के लिए अप्लाई करें ना, फिर आ जाता है ये ऑप्शन। नहीं, ये ऐसे ही आना चाहिए यार, जॉब्स के लिए नहीं होता क्योंकि। नहीं, वो रिक्रूटर को शो करानी होती है ना स्किल्स। समटाइम्स आप अप्लाई करते हो ना, तो वो कहता है जी रिक्रूटर को अपनी ये स्किल्स शो कराएं। आई थिंक ये देखें, ये स्किल्स के ऊपर ये ऑप्शन आता है। ये देखें, ये स्किल्स है, देखें टेक स्किल क्विज, तो ये यहाँ से रिमूव हुआ है। एंडोर्समेंट सेटिंग में जाएं, आई थिंक सो। बहरहाल इसको मैं थोड़ा सर्च करके बताऊंगा यार। ऑप्शन देखें इतने फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाते हैं, बंदे को पता ही नहीं होता। अदरवाइज देखें मैंने कितने सारे यहाँ पे ये असेसमेंट दिए हैं। मैंने AWS का दिया हुआ है, और ये आपके सामने दिया हुआ है सेल्स स्टेटमेंट, लिनक्स का, नेटवर्किंग का, पाइथन प्रोग्रामिंग का। सर ये एक आया है लास्ट 3 वीक्स पहले की कोई अपडेट है। लिंक्डइन स्किल असेसमेंट आर नो लॉन्गर अवेलेबल। वी हैव हर्ड फ्रॉम हायरर्स दैट एग्जांपल ऑफ हाउ अ कैंडिडेट अप्लाइड देयर स्किल इज इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल टू एक्सेस फिट। सो वी हैव मेड इट पॉसिबल फॉर मेंबर्स टू टैग अ स्किल टू एनी क्रेडेंशियल्स ऑब्टेन्ड एंड कनेक्ट देयर स्किल्स टू स्पेसिफिक जॉब्स। ये कुछ है सर ये। ठीक हो गया, आई थिंक इन्होंने ये चीज़ रिमूव कर दी है। मीनवाइल बताने का मकसद यही था इन दी एंड, कि ये आप इसके अंदर ऐड करते हैं तो इससे होता ये था कि आपका समझें कि वो प्रोफाइल थोड़ी सी अप आ जाती है, ऊपर आ जाती है जब भी रिक्रूटर सर्च करता है। अच्छा, ये मीनवाइल अगर आप देखें, अब चूंकि मैं यहाँ पे हूँ तो ये देखें आपके सामने 18 दिसंबर, 18 दिसंबर, 12। अच्छा ये तो प्रीमियम का है, क्लाउड इंजीनियर 6 दिसंबर। तो विद इन आ लास्ट मंथ 4 से 5 मेरे को कांटेक्ट किया जाता है कि भाई आपको जो है वो हम
जो आपकी जीडीओ है प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर वो रिक्रूटर खुद ही आपको फैच आउट करते हैं। तो मीन वाइल बताने का मकसद आपको यही था कि अगर आप लोग ये चीज़ें करेंगे अपने साथ प्रोफाइल में, खास तौर पे जो एंट्री लेवल वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं भाई? ओह अच्छा ठीक हो गया भाई, ये इन्होंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक हो गया, मैंने इसको चेक नहीं किया। अच्छा ठीक आ रहा है आप, सही है, चलें जी तो आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ ये, दूसरा गोल आप लोगों से कहा था कि भाई गोल कोई आपने सेट करने से, तो किसी ने आई थिंक एक ही नहीं शायद बताया, शुड वी कीप अवर ओल्ड एक्सपीरियंस अदर देन आईटी, मतलब आपका ओल्ड एक्सपीरियंस क्या है पहले तो ये बताएं, पहले तो ये पता हो। और आईटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजीनियरिंग है। अच्छा इंजीनियरिंग के अंदर भी मैं आपको बताऊँ ना, तो आईटी इन्वॉल्व है। क्यों, उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप देखें जितनी भी कार्स हैं, जितने भी पावर प्लांट्स हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू कंप्यूटिंग एज वेल। मैं अभी जिस जिस जगह भी काम कर रहा हूँ, न्यू कैसल कॉलेज, ठीक है, तो उस कॉलेज के अंदर भी अगर आप देखें तो हमारे पास इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट है बकायदा, विंड सोलर फार्म। अब आप ये देख रहे हैं, ये सोलर पे विंड के ऊपर, अब ये सारे का सारा है तो इंजीनियरिंग, प्योर मैकेनिक है, मैकेनिक से इसके अंदर इन्वॉल्व। लेकिन मेन वाइल जो मेन इसके अंदर चीज़ है वो ये कि सारा का सारा कंप्यूटर है। अब वो कैसे आईटी इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व है, लॉग्स आ रहे हैं कि भाई किस टाइम पे मशीन किस टाइम पे अप हुई है, किस टाइम पे लो हुई है, क्या थ्रेशोल्ड था, क्या ग्राफ्स बने एंड स्टफ लाइक दैट। मतलब डेटा साइंस के अंदर अगर आप इन द टर्म्स ऑफ देखें तो इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। तो एनी हाउ अभी जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं उसमें से सबसे टॉप पे एक तो आईटी, आपको पता है अब आईटी के अंदर भी सब ब्रांचेज हैं। मैं अगर आपको स्पेसिफिकली कहूँ तो अब हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं आईओटी, अच्छा आईओटी इज नॉट अ स्मॉल डोमेन। अब आप कहेंगे सर ये क्या आपने बात की, तो रीज़न ये है कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा किधर ख़त्म होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि इसके अंदर इतनी चीज़ों के इन्वॉल्वमेंट में, इसमें सेंसर्स हैं, इसमें एक्चुएटर्स हैं, इसमें हार्डवेयर है, इसमें क्लाउड है, इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, मतलब जिस जगह से भी आप कान पकड़े ना वो आपको ले आएगा किसी न किसी। देन हमारे पास जो दूसरा है वो है ब्लॉकचेन। अच्छा आप यकीन जाने ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट जो आगे हमारे फ्यूज ईयर्स हैं उसमें आने जाने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने शायद नोट किया हो, हमारे पास सबसे बेस जो है वो है बीटीसी। आपको पता है बीटीसी हमारे पास है? अच्छा ये प्राइस वाइज नहीं है, इसकी ब्लॉकचेन अगर हम बात करें तो आई थिंक पर मिनट कुछ 7 ट्रांजेक्शन हो सकती हैं बीटीसी के ऊपर। कितनी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं? 7। अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है इथेरियम, ठीक है। अच्छा ये आप जितने भी देख रहे हैं ना, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ इसके अंदर चेन्स हैं। आप इन चेन्स की फंक्शनैलिटी ये कैसे वर्क करती हैं इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा गौर फिक्र करें ना, तो बहुत आगे की सोच है इसमें। रिसेंटली मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे पास चेन है जिसको कहते हैं सोलाना, ये देख रहे हैं आप, इसका एक कॉइन है जिसको हम कहते हैं सोल, सोलाना। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और आपको फिर समझ आएगा ये क्या बात हो रही है। सोलाना अगर आप सिर्फ 1 ईयर पे चले जाएं, मैं 1 साल पहले की बात, किसकी बात कर रहा हूँ, 1 साल पहले क्या क्या प्राइस थी इसकी, आज के दिन जनवरी में $9, $14 पे गया, आज कितने पे खड़ा है देख रहे हैं आप, 1 साल में कितने कितना परसेंट गेन हुआ है इसके अंदर। मेरे नहीं ख्याल बीटीसी में भी इतना शायद गेन हुआ, रूम देखिए 10x तकरीबन 1000% का गेन हुआ है। तो इस मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे ये 10 का बाय किया होता और आज ये 104 पे होता, बल्कि इसका पीक तो 120 123 पे गया है अभी 2 4 दिन पहले। लेकिन मेन चीज़ आपको बताने की है कि ये प्राइस बढ़ने की वजह क्या है, इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं उन्होंने।
डिफरेंट कोलेबोरेशन किए हैं, डिफरेंट स्टैक्स इन्होंने इसके अंदर की हैं, स्टेकिंग इसके अंदर एक पूरा एक अलग से मैकेनिज्म। तो अगर इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो इसमें बड़ा फायदा होगा। अच्छा, अब जाहिर सी बात है ये अपना पीक मार चुका है इस साल का, तो अब इसके ऊपर काम करना मेरा नहीं ख्याल बेहतर रहेगा। इसके अलावा अब जो हमारे पास आ रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड दिस। अच्छा, ये रेवोल्यूशनाइज होगा लेकिन इसको रोका जाएगा। अच्छा, इसकी क्या वजह है ये मैं आपको भी समझाता हूँ। ये मैं आपसे कह रहा था ना, ये चेक करें आप, ये डिफरेंट जितने भी हमारे पास चेन्स हैं ब्लॉकचेन की, ये उनका थ्रेशोल्ड है कि पर सेकंड कितने ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। बिटकॉइन सिर्फ 7 ट्रांजेक्शन होती हैं पर सेकंड, इथेरियम 25, लाइट 56, कार्डानो 1000, सो ऑन। फैंटम होता है 3 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड, टेक्टम 1 मिलियन। 1 मिलियन अगर आपसे कोई बंदा कहे ना, तो 1 मिलियन का मतलब ये कि वाइस, ये वीजा मास्टर कार्ड, इससे भी ऊपर की बात है। स्टिल नाउ ये जो अभी प्रोजेक्ट है, यानी कि ये जो चेन है, ये अभी आप समझे अपने डेवलपमेंट फेज में ही, लेकिन मीन वाइल आगे इसने जाना है। अच्छा, इसका ये मैं बता क्यों रहा हूँ, ये पिच क्यों कर रहा हूँ, इसकी रीजन ये है कि आपको अगर इस तरफ मूव होना है तो ब्लॉकचेन इज वन ऑफ द थिंग जो अगले 20 से 25 साल कहीं नहीं जाती। तो आज अगर आपने 2 साल लगा दिए इसको समझने में, इसको इम्प्लीमेंटेशन पे, तो फिर आप वो ग्रैब करने में चीज़ें आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पहला अगर आपने नेक्स्ट टारगेट करना है कि भाई कोई चीज़ सीखनी है, उसको आगे जाना है, उसके ऊपर डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि इसका सारा आपको मिल जाएगा, टेस्ट नेट इसका बना हुआ है, इसका मास्टर नोड है, इवन मैं इसका शायद पढ़ भी रहा था, स्टडी कर रहा था, तो आई थिंक कहाँ था वो, ये था इसके नोड्स, इसका सिर्फ मास्टर नोड जो है ना लगाने की प्राइस पता है क्या है, बल्कि यहाँ पर देखा प्रोडक्ट था, बाय का आएगा ना ऑप्शन, नोड मैं कल ही बैठ के इसको स्टडी कर रहा था, जरा मैं आपको सर सिखाता हूँ। तो तकरीबन कोई 4 लाख डॉलर की वो मास्टर नोड लगेगी इसकी, जिसके ऊपर लोगों को फिर वो रिवॉर्ड देंगे। ये ऐसे ही होगा जैसे कि आज से 15 साल पहले BTC की जो स्टार्टिंग में लोगों ने ट्रांजेक्शनें की तो रिवॉर्ड था कोई $10,000। तो मेरे को और आपको समझने में लगेंगे पता नहीं सर क्या अजीब बात कर रहे हैं आप, लेकिन जो पहला जो 2 XT कंप्यूटर ने आपस में ट्रांजेक्शन की थी ना BTC की, तो अराउंड कोई 10,000 BTC का वो था। और शायद वो आपने पिज़्ज़े वाली पोस्ट भी देखी होगी, पिज़्ज़ा फॉर BTC स्टोरी, ये चेक करें आप। ये स्टोरी ज़रा अगर आप पढ़ें तो ये जवान, अगर ये इसके पास होते ये पिज़्ज़ा नहीं खाता आज का। अगर रेट लगा है तो आज का रेट कुछ ये है, आई थिंक 42,000 के अराउंड लगाते हैं। तो 2010 के दो खाए हुए पिज्जे कुछ कॉस्ट करते इतने BTC, ओ सॉरी USDT मतलब डॉलर, और अगर इसको हम PKR में कन्वर्ट करें 270 लगा ले अभी, तो मेरा नहीं ख्याल इस बंदे को कुछ और कुछ जरूरत थी कुछ और करने की। ठीक है जनाब, तो अगेन ये आपको बताने का, इसकी इंसाइट देने का मकसद क्या है, वो ये कि नेक्स्ट फ्यूचर ये है भाई। अगर आपने अपने आप को इक्विप नहीं किया, मैं भी खुद अपने आप को सोच रहा था यार पंग भाई आपने जो है ना इक्विप करना है लेटेस्ट इक्विपमेंट से। जैसे आप लोगों को पता होगा ना, कोई भी एक मिसाल के तौर पे कारीगर बंदा वही होता है, जब भी कोई नई चीज़ आए मार्केट में उसको पढ़े सीखे और उसको आगे इम्प्लीमेंट करे। तो डेवलपमेंट और डेवलपर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी भी चेन पे आए, उसको पढ़ें, उसकी इंसाइट देखें, उसका आप समझ लें कि नेक्स्ट वो देखें कि यार ये कहाँ तक जा सकता है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो खैर, एक पार्ट ये हो गया, स्टार्टिंग में आपने कैसे करना है, गोल्स को सेट करना है। अच्छा, गोल्स मेरे भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ उसमें से अचीव हुए हैं,
कुछ अभी भी पेंडिंग में। एक उसमें से गोल ये था कि भाई मिलियन करना है इन डॉलर, तो वो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा एक और था गोल के भाई हमने बाहर आना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हो चुका है। तीसरा ये था कि भाई किसी टॉप नॉच प्रोजेक्ट्स में काम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया। अपने आप को इवॉल्व करना है, ना सिर्फ खुद की डेवलपमेंट के लिए बाकी दूसरों के लिए, वो कर भी रहे हैं और अभी भी चल रहा है आपके सामने लाइफ। तो ये चीज़ें हैं जो आपको टारगेट करनी है। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैं भी ये पहले गलती करता था, स्टिल कभी कभार हो जाती है मुझसे, कि जब भी आप गोल सेट करेंगे ना, तो आप गोल कैसे सेट करेंगे ज़रा मुझे बताएं, हाउ टू सेट अ गोल, कैसे सेट करेंगे, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं। कोई भी वॉलेंटरली, अभी अगर आपने 2024 के कोई गोल करने हैं, कैसे करेंगे आप? जो प्रीवियस एक्सपीरियंस या जो भी हैं स्किल्स, उनको लेके आगे चलना भी एक एक गोल हो सकता है कि उनमें आगे फर्दर आप इम्प्रूवमेंट करें। जैसे मतलब आईओटी का कोर्स कर रहे हैं, तो सही है, आईओटी के लेटेस्ट ट्रेंड्स जो हैं, और मतलब क्लाउड में जाना है या क्लाउड के अंदर डेवऑप्स में जाना है या क्लाउड के अंदर डेवलपमेंट करनी है, तो वो एक गोल हो सकता है। या सही जैसे है, फिर टोटली आप एक देखें कि लेटेस्ट मार्केट में जो फ्यूचर के ट्रेंड्स हैं, जैसे आपने अभी बिटकॉइन का बताया, बिल्कुल आप अपनी मतलब प्रीवियस जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको लेके आगे आगे इस डोमेन में आप कैसे एक्सेल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो तो इस तरह ही सेट होते हैं। इसके ठीक अलावा है, जो फिर ऑफिस वाले दे देते हैं वो अलग होते हैं, वो तो नहीं मैंडेटरी। वो गोल फिलहाल अलग है, वो तो है। अच्छा मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करूंगा, वो ये कि जब भी आप कोई गोल सेट करें ना, मिसाल के तौर पे अगर आपने गोल सेट किया है, लेट सपोज कि मैंने मैंने जो है वो कोई सर्टिफिकेशन करनी है, ठीक है। अभी मेरे जो है पाइपलाइन में वो ये कि कमतिया सिक्योरिटी प्लस, ये एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो कि मुझे करनी है। मैं अभी सोच रहा हूँ इसमें और नेटवर्किंग में, तो सबसे पहले हमें तो बेसिक्स इसकी लेनी है। तो जब भी आप आए गोल की तरफ, तो उसको क्या करें, बेबी स्टेप्स में करें, ठीक है। एकदम अगर आप करने बैठेंगे ना, तो मेरे नहीं ख्याल आपसे कभी वो होगा। स्टार्ट लें, शुरू करें, इन्वॉल्व हों। 2023 अगर आप देखें ना, तो मेरे लिए काफ़ी अनोखा एक्सपीरियंस रहा। उसका रीज़न, एक तो मैं बिल्कुल ही अलग आ गया, बाहर आ गया, घर में कभी किसी ने कभी वो क्या कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, बर्तन ना धोए, तो वो यहाँ पे आके पोचे भी मारे, सफाइयाँ भी करे, सब कुछ, मतलब खाने भी बनाए, ग्रोसरी भी खुद करनी, ईच एंड एवरीथिंग। इवन मैं भी, मैं यहाँ पर रूममेट को कह भी रहा था, हाउसमेट को सॉरी, कि भाई आज जो है ना जाएंगे ग्रोसरी करके आएंगे, तो स्टफ लाइक दैट। तो काफ़ी चीज़ें सिखाएंगे 2023 में, लोगों का ठंडी भी हवा लगी। बिल्कुल। अब वो कदर आई है वो जो सिस्टर्स या वालदा का वो बताना कहना, तो खैर ये एक अच्छा बात, अच्छी बात है। उसका रीज़न ये कि बंदा अपने आप को जज करता है कि हाँ भाई मैं कितनी जल्दी जो है वो दूसरे इन्वायरमेंट में फिट हो सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो दिल बर्दाश्त होने से हार जाते हैं, नहीं मानते, तो कोई नहीं, इस पे रखना है। कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आए, चीज़ें भी देखी, लेकिन राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। तो ऊपर वाला आपके वो आजमाइश में डालेगा, आपने उसको थोड़ा सा बेयर करना है, फोकस करना है, तो आप इंशाल्लाह निकल आएंगे। तो ये तो कहानी थी किस चीज़ की भाई, कि हाउ यू कैन गेट दैट मेन। इसके अलावा आप सब लोग हैं, आप लोगों के भी गोल होंगे। अच्छा इसमें एक गोल और लाजमी रखें, वो ये है कि अच्छा ये हम तकरीबन मुझ समेत हम सभी जो है इस चीज़ में काफ़ी लेटनेस है, तो हमें इस चीज़ को ओवरकम करना है। नेक्स्ट टाइम ये गोल हो कि हमने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चीज़ के ऊपर जो है अपने आप को फुलफिल करवाना है, क्योंकि अगर आपको पता हो हमें इस दुनिया में भेजे जाने का एक ही मकसद है। अच्छा हमारे लिए आजकल मकसद अलग है, ये कि अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बीवी बच्चे सुकून में, जॉब अच्छी, ये कुछ भी नहीं है, ये दुनिया का मकसद नहीं है। तो अल्लाह पाक फरमा भी रहे हैं कुरान मजीद में कि हमने जिन्हों इनको बनाया ही सिर्फ इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। तो आज आप देख लें हम कितनी इबादत कर रहे हैं, कितना अल्लाह को याद करते हैं, और एक ना एक दिन सब में चले जाना, ठीक है जनाब। बड़े बड़े लोग चले गए,
इस साल जो सबसे बड़ी बड़ी शख्सियत गई हैं, किसी को नाम याद है कौन कौन इस साल जो है वो फोत हुआ है? शायद ही किसी को याद हो। कोई एक बड़ी, मतलब आप समझ लें पर्सनैलिटी जो इस साल गुजरी हो, कोई भी एक जो आपके जहन में। मेरा नहीं ख्याल किसी को याद होगा, तो आम इंसानों को क्या याद होगा? ऐसे ही ना जनाब, तो मैं आपको नाम देता हूँ। हमारे एक थे प्रेसिडेंट, सही है भाई? ये 2023 में मर गए, और इनकी क्या डेट थी ये देखिए आप। सही है? तो किसी को नहीं पता कि ये जो है मर गए, किसी को याद है भाई? सवाई एक ने अभी जो मैसेज किया, किसी को याद था? बाकी सही से बताइएगा, नहीं सर, किसी को याद नहीं था ना? तो आप यकीन जाने, ये जब पावर में थे, जब ये इन शूज थे, तो दुनिया इनको सलाम ठोकती थी, ऐसे ही है ना? अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है, कोई नहीं जानता इनको, कोई याद नहीं करता, किसी के जहन में नहीं था। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके होने से कुछ होगा या आपके ना होने से किसी को कुछ मसला होगा, तो आप दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हैं। ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी, नो वन केयर अबाउट यू। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई अपने मामला सीधे रखें, हर दिन ऐसे गुजारें कि वो आपके लाइफ का आखिरी दिन हो, इससे साल का आखिरी दिन ना हो। तो ये चीज़ें, तो ठीक है जनाब, ये एक छोटा सा आपको वो देना था ओवरव्यू, ईयर का लास्ट दिन है, तो कोशिश ये है कि आपको एक नई से नई चीज़ें सिखाई जाएं। तो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं भाई। आज लास्ट टाइम सर जी बोलें 5 मिनट होंगे सर बीच में। जी। सर अगर मतलब कोई आईओटी का बंदा क्लाउड साइड पे जाना चाहे तो बिल्कुल व्हाट यू सजेस्ट? एक तो वो मैंने जो देखे उसमें क्लाउड प्रैक्टिशनर का एग्जाम है AWS का, वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सबके लिए लाजमी है। ऐसे ही है। इसके मतलब कैसी डायरेक्शन हो सर? एक डेवऑप्स की डायरेक्शन आती है, एक आती है क्लाउड डेवलपर या इंजीनियर की, जी और मतलब एक बंदे का एम्बेडेड साइट का बैकग्राउंड हो और वो आईओटी में आगे करना चाह रहा हो, तो कैसे इनमें से देखें कैसे चले? देखें, अगर मैं आपसे कहूँ ना, आईओटी स्टिल पाकिस्तान में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, ऑल्दो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। सेकेंडली, जी अगर हम क्लाउड की बात करें, तो क्लाउड के अंदर हमारे पास AWS के अंदर अगर आप जाएँ ना, तो AWS के अंदर एक ट्रैक है जिसको हम कहते हैं AWS सोल्यूशन सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है? ठीक है। तो इस ट्रैक को अगर आप फॉलो करें, इसकी बकायदा सर्टिफिकेशन है, इसके कोर्सेज भी हैं बहुत जी सारे, जी तो किसी ठीक एक है। को आप लें, उसमें आपको बताएगा कि कैसे जो है वो आप सर्विसेज को मैनेज करेंगे, कैसे आप मिसाल के तौर पे एक्सेस राइट्स को जो है मैनेज करेंगे ओवर द क्लाउड, कैसे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है वो मैनेज करेंगे, क्योंकि ये क्लाउड पे सिर्फ मैनेज करना नहीं, इनकी बस्ट अगर आपकी कॉस्ट ऊपर चली जाए वो कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इस पूरे उसके अंदर मिल सकती है, ठीक है? और क्लाउड के अंदर जब भी आप आएंगे ना, तो इसके अंदर कुछ टूल आपको लाजमी देखने पड़ेंगे। वो जैसे हमारे पास ऑटोमेशन के अंदर अगर हम बात करें, या ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर, तो कुबरनेटीज आपको लाजमी देखना पड़ेगा, ठीक ठीक है सर। है? इसको आपने कमांड इसको पी जाना है। दूसरा, आपको डॉकर का लाजमी पता हो, ये डॉकर से कैसे चल रहा है, ठीक है सर। ठीक है? डॉकर की आपको लाजमी देखनी है। अच्छा, डॉकर का अल्टरनेटिव भी एक हमारे पास है जिसको हम कहते हैं पॉडमैन, ठीक है? ये नेटिव है, ये उसके ऊपर चलता है, क्या बोलते हैं, रेड हैट के सर्वर्स के ऊपर ना, पॉडमैन। तो ये भी है, सेम ही है, मतलब कंटेनराइज एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बस डिफरेंस ये है कि पॉडमैन के अंदर आपके पास डेमन नहीं होता, ये डायरेक्ट यूजर लेवल पे चलता है, ठीक और है। जो डॉकर होता है ये यूजर लेवल पे नहीं चलता, ये रूट लेवल पे चलता है। तो इसके कंप्रोमाइज होने का जो है वो चांस होता है डॉकर का, पॉडमैन का नहीं होता, क्योंकि सही। आपने यूजर को राइट्स दिए हुए हैं, तो वो कभी भी मेन यूजर या रूट यूजर के पास आ ही नहीं सकता। तो स्टफ लाइक दैट, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने आना है तो इसके ऊपर आए। जेंकिंस को आपने लाजमी देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है? एंसिबल, ये इसका पार्ट है। और अगर आप आगे मॉनिटरिंग की तरफ जाएंगे, तो प्रीमिथियस है, प्रीमिथियस मिथियस, ठीक है भाई, प्रोमिथियस सॉरी, और टेराफॉर्म, प्रोमेटर्स टेराफॉर्म,
ये कुछ टूल हैं जो आपको मिलेंगे। अच्छा, ऑल दो मैं आपको एक कोर्स भी रिकमेंड करता हूँ यूडेमी का, अगर आपने ये सारी चीज़ें करनी है ना। मेरे पास आई थिंक सो परचेज किया था इस अराउंड कोई 1.5 ईयर्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप उस एक कोर्स को भी पढ़ लेंगे ना, तो उसमें ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्लाउड को जो है उसने वहाँ पे वो गैदर किया और उस बिहाफ पे वो चीज़ें लेके चल रहा है। अच्छा, कंसेप्चुअली क्लियर किया होगा उसने। कंसेप्शनली विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एज वेल। जी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो टू माय लर्निंग्स, नाउ यू नीड टू गो दिस वन। अगर आप इस कोर्स को परचेस कर लें, ठीक है, तो क्या नाम है इसका? मैं या लर्न लर्न डेवऑप्स। डेवऑप्स कुबरनेटीस टेराफॉर्म एंड एज़्योर डेवऑप्स, अच्छा, तो इसको चैट इसमें, में अगर पेस्ट। हाँ ये मैं चेंज पेस्ट कर देता हूँ आपको। तो अगर आप इस एक ट्रैक को लेके ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसने कैप्चर की हैं। इसमें आप देखें, इसने मल्टीपल एप्लीकेशंस बनाई हैं, उसके ऊपर उसने जो है वो किया है। मतलब एक एपीआई से दूसरी एपीआई को कैसे कनेक्ट करवाना है थ्रू कंटेनराइजेशन, कैसे जो है वो आप जीसी के ऊपर, जीसीपी के ऊपर देखेंगे, कैसे आप उसको एडब्ल्यूएस पे, जैसे यहाँ पे बता भी रहे, डेवऑप्स ऑन एडब्ल्यूएस यानी कि इलास्टिक कंप्यूट सर्विस, कुबरनेटीस सर्विस सॉरी, और AKS अज्योर कुबरनेटीस सर्विस, दे ऑल आर सेम। बस डिफरेंस ये होता है कि भाई उस पर वो किस तरीके से चलेगा। सेंटेक्स सब पे सेम है, YAML बेस है मोस्टली। आई थिंक अज्योर के अंदर आपको जेसन की फैसिलिटी ही मिलती है, अदरवाइज CML सब के अंदर है। तो एक दफ़ा आपने वो सीख लिया तो इजीली हर जगह आपको वो चीज़ कैप्चर हो जाती है। तो ये अगर आप करें तो आई फील कि आप इतने हो जाएंगे कि आप इंटरव्यू के अंदर क्लियर कर सकें। सर, ये डेवऑप्स का पाथ होगा या क्लाउड डेवलपर का? दो दो चीज़ें एक्चुअली कंफ्यूज कर रही हैं ना मुझे। सॉरी, मैं टाइम ले रहा हूँ क्लास का। एक मिनट रुकिए अभी। ये टारगेट बनाएं, इस कोर्स को करें। आई थिंक कोई 28 घंटे का कोर्स है, अगर आप एक हफ्ता भी बैठेंगे ना, तो आई थिंक सो यू हैव डन इट वेरी मच। सही है, 28 मिनट लिखा है सर। 28 घंटे, ओके 28 घंटे का टोटल है यहाँ पे शायद लिखा हुआ भी होगा इसने ना। सॉरी, 28 भी मैंने गलत बता दिए, ये 22 आवर्स समझ लिया, अराउंड जी सर, ठीक 21 है। आवर्स ऑन डिमांड वेटिंग। 21 आवर्स आई थिंक इज द बेस्ट वे टू स्पेंड। तो अब अगर छुट्टियां हैं, कोई भी टाइम मिले, आप इस चीज़ को करें। घंटा भी अगर आप देंगे तो महीने में कहीं नहीं गया। कुछ आपको बर्निंग करनी पड़ेगी, कोई 50 या 100 डॉलर आप इसमें डाल दें कार्ड के थ्रू ना, जो एक्चुअली एग्जाम्पल कर रहा है वो आप उसको इजीली वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि रियल लाइफ करें, उसको खुद इम्प्लीमेंट करें, चीज़ों को समझें, तो नेक्स्ट लेवल के लिए आप रेडी हो जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, बाकी ये कि जब किसी भी कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में जाएंगे ना, तो डायरेक्ट आपको सीट सीट पर नहीं बिठाएंगे। ऑल दो अगर आपके पास कोई वाकई में उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, 4-5 साल, 2-3 महीने, तो वो आपको खुद बताएंगे कि भाई कौन सी चीज़ कैसे है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जनाब। तो ऐसा ऐसा ही चीज़ें जो है वो ग्रैब अप होती हैं और अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको बतानी थी 2024 के अंदर, अगर आप उस चीज़ों को टारगेट करें। नेक्स्ट मैं भी खुद उस चीज़ के ऊपर टारगेट कर रहा हूँ, वो ये कि अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव करें। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, ये आदाद भाई भी बोलते हैं और भी बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप गुरुओं से इंटरेक्ट करेंगे ना, तो उसके लिए इंग्लिश लाजमी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इंग्लिश में वीक है, जिसको समझ नहीं आती या वो ग्रिप नहीं कर पाता, तो उसको लाजमी जो है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है प्रॉब्लम होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ तक बात क्लियर है, कोई सवाल तिल ना हो। सर, एक चीज़ ये है कि ये जो कोर्स है, ये मतलब आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनाएगा ना? बिल्कुल डेवऑप्स और एक होता है क्लाउड डेवलपर या क्लाउड इंजीनियर, वो सेपरेट होता है आई थिंक इससे। नहीं, क्लाउड इंजीनियर और जो वो होता है ना, उसको डेवऑप्स के अंदर देखें, होता ही है कि डेवऑप्स जो पार्ट होता है ना, इसके अंदर कोड भी इन्वॉल्व होता है। डेवऑप्स में कोड भी कोड भी इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व होता है, क्लाउड में कोड इन्वॉल्व नहीं होता। रीजन बिंग कि क्लाउड इंजीनियर होता है ना, उसको सिर्फ ये पता है कि मशीन ये ऑन करने से ये हो जाएगा, ये सबनेट ये आईपी लगाने से ये मशीन इधर मूव हो जाएगी, स्टफ लाइक दैट, समझ आया। तो ये मेन है इसके अंदर डिफरेंस, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आपने प्रोग्रामिंग सीखी है, तो बजाय इसके कि आप क्लाउड पे जाके स्टक हो, ठीक बेहतर नहीं सर। है कि आप उसको जो है वो
डेवऑप्स की तरफ जाएं। अच्छा डेवऑप्स जो क्लाउड वाला होता है दैट इज फोकस ऑन ऑपरेशन ओनली, जो ऑप्स वाला है ना पार्ट ऑपरेशन वाला वो जस्ट उसको फोकस करो, लेकिन जो आप फोकस करेंगे वो दोनों करेंगे, तो आप खुद बताएं कौन सा बेहतर है। ठीक मतलब ठीक है सर, डेवलपमेंट साइड भी और ऑपरेशन साइड भी। है डेवऑप्स करें, डेवऑप्स की बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं और ये वो पार्ट है जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है क्योंकि एआई ने चलना ही क्लाउड पे है, वो मशीनें नहीं बना सकती। सही है। इसके अलावा अगर आपने क्लाउड पे जाएंगे तो फिर आपको ऑन प्रेमिसेस क्लाउड भी पता होना चाहिए, जिसमें वीएमवेयर आता है। ठीक है भाई, वीएमवेयर कैसे वर्क करता है, क्या चलता है, ये है हमारे पास। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपने लाजमी फोकस करना है। ठीक है सर, सर गाइड मी सम नेटवर्किंग कोर्स। अच्छा नेटवर्किंग के अंदर अगर आपने जाना है तो आई थिंक सीसीएनए, राउटिंग एंड स्विचिंग, दैट इज द बेस्ट फॉर एवरी बिगनर। इसको नेटवर्किंग में जाना है तो वो इस चीज को कर ले भाई, बेस्ट है। इसके बाद फिर हमारे पास सीसीएनपी आता है लेवल, फिर सर हमारे ये पास नेट एकेडमी है सर इनकी, सिस्को वालों की, जी नेट इस पे अकेडमी। ये बड़े अच्छे कोर्स हैं, मतलब लिनक्स, सी प्लस प्लस, और इसके अलावा ये सिस्को के भी ना बड़े अच्छे कोर्स हैं। आप ये इसकी बात कर रहे हैं नेट अकेडमी? जी जी सर, और मेरे बिल्कुल। ख्याल से अच्छा ये को डिस्काउंट भी देते हैं कि जब आप यहाँ से बिल्कुल कोर्स करते हैं ना। बिल्कुल। असल में इसमें होता ये है कि जब भी आपने कोई एग्जाम देना है ना, अगर मिसाल के तौर पर मैंने राउटिंग एंड स्विचिंग का एग्जाम देना है तो फर्स्ट आई इनरोल्ड, मुझे इनरोल्ड होना है इसके अंदर। जी जी इनरोल्ड होने के बाद उसके कुछ एग्जाम्स होते हैं और चैप्टर वाइज होते हैं और मॉड्यूल वाइज होते हैं, वो हमने करना चाहिए। जब वो हम कर लेंगे फिर जो है वो हम उसके अंदर एलिजिबल होंगे, समझे, कि हम फाइनल एग्जाम दे सकें। इसमें डायरेक्ट नहीं होता है। एक इसके अंदर ये है और आई थिंक वीएमवेयर के अंदर भी सेम यही सिनेरियो है कि आप पहले अपने आप को रजिस्टर करते हैं, फिर आप उसके एग्जाम्स देते हैं चैप्टर वाइज, फिर आप उसका फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट होना लाजमी है, सर मैंने अदरवाइज ये इसमें आपका। सी प्लस प्लस का एक कोर्स थोड़ा सा देखा था, तो मुझे उसमें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई थी जो नॉर्मल आप बाकी वेबसाइट्स या यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं ना, तो वो उतनी इन डेप्थ में चीज़ों को नहीं बता रहे होते जितना इसके कोर्सेज में मैंने देखा है। ये दो का मेरा एक्सपीरियंस मैंने इस पर देखा था, अच्छा लगा था मुझे कि मतलब वो चीज़ें जो नॉर्मल आप टच नहीं करते वो भी आपको ये सिखा रहे होते हैं। अच्छा ये जो सीसीएनए वाला होता है ना, जी ये सारा का सारा आपको नेटवर्किंग सेंट्रिक होता है। मतलब जितनी भी चीजें बताएंगे ना जी वो जी सारी की सारी नेटवर्क से रिलेटेड होंगी। अच्छा उसके होने का मकसद क्यों है? मकसद ये है कि अब जो हमारे पास आ रहे हैं ना एसडीएन, एसडीएन राउटर्स और स्विचेस, ये है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ठीक है, ये डब्बा आप ले लेंगे, आप प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो इसकी नेटवर्किंग करेंगे। पहले होता था हम कमांड के थ्रू करते थे, आप किसके थ्रू करेंगे हम इसको? प्रोग्रामिंग के जरिए। बिल्कुल। अच्छा ये जो पार्ट है ना, ये वीएमवेयर ने भी निकाला है, इसको हम कहते हैं वीएमवेयर का एनएसएक्स। ये प्योर जीयूआई बेस है, ये कमांड के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर जो है ये होगा। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से चीजें जो है वो मार्केट के अंदर इन्वॉल्व कर रही है। अगेन हेलो मैं ये आपको कह रहा हूं कि इस तरीके से मार्केट के अंदर चीजें चल रही हैं। अच्छा मीन वाइल अगेन मैं आपसे ये कहूंगा कि सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ऐसा टारगेट अपना सेट करें कि यू आर लैंडेड टू अ जॉब, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस जीडी पे आप होंगे वो खुद ही आपको फिर सिखा देंगे। नहीं भाई, वो आपको खुद ही हेल्प आउट करेंगे, आपको बताएंगे, खुद आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे आगे पीछे, तो इंशाल्लाह चीजें सेट होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन? हाँ भाई सर, अगर हम IoT को जैसे इसमें यूज होती है AI में, ड्राइविंग कार में, इसके अलावा इसकी कौन सी डोमेन है AI के साथ? आईओटी का, जी सर, यार आईओटी का डोमेन कोई स्पेसिफिक हो तो मैं आपको बताऊं। इंडस्ट्रियल आईओटी अलग है। रिसेंटली मैंने एक इंडस्ट्री का देखा है,
वो ये बनाते हैं मशीनरीज जो यूज़ होती हैं कंक्रीट कटिंग वगैरह में, सही है। उन्होंने भी सर IoT इन्वॉल्व की हुई है। वो जो उनके बंदे हैं ना जो उनसे खरीदते हैं, वो जब आगे हाँ रेंट पे देते हैं तो जब वहाँ पे मशीन स्टार्ट होती है तो उनके पास ऑनलाइन टाइम आ जाता है सही है। हाँ और सारा रिकॉर्ड उसका ऑनलाइन उन्होंने रखा हुआ है। तो मतलब IoT वहाँ पे भी उन्होंने यूज़ की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, असल में ये यूज केस पे डिपेंडेंट होता है IoT जो है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने जो है कोई बनी बनाई चीज दे दी, आप रिक्वायरमेंट लेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, फिर उसके ऊपर आप वर्किंग करेंगे, फिर वो आपको उसका बताएंगे कि भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, देन आपके पास वो जाके चीज जो है वो आएगी, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। ठीक है जनाब, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने नेक्स्ट टारगेट करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए। आप सबसे, मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि इस चीजों को, जैसे मैंने आपको बताया अभी, IoT यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन साइड आल्सो। बिल्कुल जनाब, हर चीज में आपको मिलेगी। मेन चीज ये है कि आपको इन होना है। असल में हम अपने आप को इवॉल्व ही नहीं करते, हम कभी गए ही नहीं, हम कभी मिले ही नहीं, हमने कभी कोई सेमिनार अटेंड ही नहीं किया इंडस्ट्री से रिलेटेड ना IoT का, तो हमें पता ही नहीं कि बैक बैक हो क्या रहा है पीछे। हमने तो जस्ट ये देखा ना, जो गूगल असिस्टेंट मैंने आपको बता दिया है, जो सेंसर्स आपको बता दिए, नथिंग मोर देन दैट। हमने ऐसे भी बंदे देखे हैं जो ओल्ड हार्डवेयर होते हैं ना, ओल्ड हार्डवेयर, उनके लॉग्स आते हैं स्पेसिफिक उसके ऊपर, प्रोटोकॉल के ऊपर, वो वहां से लेते हैं डेटा, लेके उसको उस डेटा के बिहाफ पे उसको ऑनलाइन कर देते। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास हार्डवेयर है जो सिग्नल देता है SPI के ऊपर ना, इंटरफेस के ऊपर, जो एनालॉग है। अब उस एनालॉग सिग्नल को आपने ऑनलाइन उसमें कन्वर्ट करना है डेटा के अंदर, तो आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि भाई मोटर इतना रोटेट होगी तो इस सिग्नल पे ये वैल्यू आएगी, इतना रोटेट होगी तो इतना आएगी। इस तरह के बड़े हमने जो प्रोजेक्ट देखे जो फुली मैनुअल थे, IoT उसके अंदर डिवाइस एम्बेड की, कंट्रोलर लगाए, डेटा इंसाइड किया और वो चलना शुरू हो गया ना। तो बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारा काम मार्केट में भी अवेलेबल। वही बात है कि हम उस चीज को फोकस नहीं कर पा रहे, हम उस चीज को कैटर नहीं कर पा रहे। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी आप लोगों की, प्लीज बताएं, बात समझ आ गई भाई। आई विजिट टू और थ्री फैक्ट्री मल्टान इंडस्ट्री स्टेट दैट यूज IoT प्रोडक्शन साइड आल्सो टेक ऑनर गेट ऑल डेटा ऑन हिज मोबाइल ईच वर्किंग मशीन। जी बिल्कुल, ऐसे ही उस्मान था कि IoT से डेटा आपके पास आ रहा है सेंसर के थ्रू, और उसको क्लाउड पे आप सेव भी करवा रहे हैं, अपने पास भी रख रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है डिफरेंट। तो दीज आर द बेसिक्स वंस, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है AIoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और IoT विद ब्लॉकचेन। अच्छा, अब एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इस चीज को थोड़ी सी वर्किंग कीजिएगा। इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ कनेक्टिविटी। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ कनेक्टिविटी या नेटवर्किंग। अच्छा, ये क्या है कि भाई मिसाल के तौर पे इसको जरा समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, कि आपने एक सेंसर बनाया, वो सेंसर क्या कर रहा है कि क्लीन जो होती है ना आपकी क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है वो मेजर करता है। सही है। अच्छा, ये कैसे मेजर करेगा? आप उसको घर के अंदर किसी भी जगह पे रखें, ये हर टाइम जो है हर मिनट बाद उसका वो डेटा लेगा। सही है, चीज को समझिएगा। अब ये जो डेटा होता है ना, ये आपको पता है जितनी भी हमारे पास बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना हेल्थ से रिलेटेड, अब जैसे UK के अंदर है NHS, तो कोई भी दूसरी आप देख लें, तो वो इस डेटा को बड़ा क्रिटिकली देखते हैं कि भाई क्या चीजें हम बंद करें कि ताकि हमारे पास जो है वो ये चीजों का इमिशन कम हो, कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो। अब ये डेटा आपने यूजर को दिया, डिवाइस आपने दे दी, यूजर को कहा भाई आप $100 की डिवाइस ले लें या £100 की व्हाटसएवर,
इसको ऑन करें आप। अच्छा, ऑन करने से होगा क्या कि हर 1 घंटे बाद आपको उस डिवाइस के ऊपर एक टोकन रिसीव होगा जो प्रूफ ऑफ कनेक्टिविटी का होगा। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई सर। अब बात ये है कि भाई मिसाल के तौर पे जब तक आपने डिवाइस ऑन रखी, आपका डेटा जा रहा है, आप डेटा दे रहे हैं और आपको उसके बदले में रिवार्ड मिल रहा है। क्या वो जो रिवार्ड मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है भाई? क्योंकि आपने डिवाइस ऑन की हुई है, और डिवाइस से वो जो डेटा है वो डेटा आप किसको भेजेंगे? उन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को कि हाँ भाई हमने 2,000 घरों के अंदर ये डिवाइस बेची है, उन 2,000 का ये डेटा है और ये आपके पास आ। अच्छा, अब इस तरह की जो कॉन्सेप्ट होते हैं प्रूफ ऑफ कनेक्टिविटी के, इससे फायदा क्या होता है? विन विन कंडीशन होती है। यूजर को वो डिवाइस लेके उसने पैसे ले लिए, ठीक है, उसका महीने का एक शुरू हो जाएगा, समझे कि 5 या 10 डॉलर जो भी उसको रिवार्ड आना शुरू हो। दूसरा, हमें हर एक बंदे की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता होगी कि भाई इस घर में इतने अफराद थे, या इस घर में ये वेस्ट ओपन है या ईस्ट ओपन होने की वजह से इसके पास ह्यूमिडिटी का ज्यादा वो आ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कम आ रहा है, कोई भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोगों को रिवार्ड भी देंगे, उनके बिहाफ पे हमारे पास कनेक्टिविटी आएगी, उनके डेटा को इस्तेमाल करते हुए हम फर्दर इंफॉर्मेशन आगे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को सेल करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हर किसी को आप डेटा नहीं ले सकते इसी में, और गोनों का तो इतना होता है ना कि वो कारपेट के अंदर, कहते हैं कि आजकल रिसर्च चल रही थी कि कारपेट लोगों ने घर से निकालना शुरू कर दिए। बोला क्यों? कहते हैं कि जो मिट्टी होती है ना उसके पार्टिकल्स भी जो है वो डस्ट के अंदर बच्चों के आके गले में, तो उनको जो है वो इन्फेक्शन करते हैं। तो गोरे इतना वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, हमारे वाले तो भाई वो बगैर हाथ धोई जो है वो खा लेते हैं, हाथ धोई चीजें सब्जियां धोई, लेकिन इनके यहाँ थोड़ा जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है और लोग कर भी रहे हैं इस पे। इससे पहले भी एक कॉन्सेप्ट गुजरा है लेकिन वो बंदा गायब हो गया था, तो इसलिए मैं उस चीज का यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई करने को अगर आप निकलें, तो जिसने नहीं करना तो वो ये लैपटॉप बंद करके चले भाई, टांगे उठा सो जाओ, कुछ नहीं करने। तो ये बात है, ये सारे आइडियाज देने का मकसद ये था ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, कि अपने 2024 को कोशिश करें कि थोड़ा प्रोडक्टिव बनाए और चीजें जो है सीखें। यही एक समझ लें कि आपको एक थोड़ा बहुत इसको बताना। तो नाउ आज हम आ जाते हैं अपने उसकी तरफ, आज हमने क्या देखना है। तो सबसे पहले हम अपना ओपन कर लेते हैं, ब्राउजर ओपन करते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये मतलब पोर्टल पे वीडियोस अपलोड हो गई है ना आप लोगों के पास? पोर्टल पे वीडियोस अपलोड हो गई? कितनी हो गई है जरा ये मुझे कंफर्म करते हैं। आई थिंक 4 हो गई होंगी। अच्छा जी, हम यहाँ पे आए थे हैं। अच्छा, ये मैंने गलत ओपन कर दिया। अच्छा, डायलॉग चलें जी। तो आज हमारे पास है क्लास, कौन सी है भाई, क्लास 7, बैच 37, क्लास 5, 5 है, 6 है, सॉरी 6 है। ठीक है जनाब, तो हम आ गए यहाँ पे। अच्छा, पोर्टल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई? चलें, वैसे ग्रुप के अंदर तो मैंने आप सबको शेयर की हुई है, वो सारी आप ले सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट कोई मेंटेन कर रहा है यहाँ पे, मुझे ये ज़रा प्लीज़ बता दें। डॉक्यूमेंट कोई अपडेट कर रहा है? नहीं।
चलें जनाब, तो शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने क्या देखना है, पहले तो हम ये देख लें। आज हम जो चीज़ देखने वाले हैं दैट इज सो कॉल्ड कि भाई किस तरीके से जो है वो हम अपना एक भाई ये आ गया, तो किस तरीके से हम जो है वो अपना वेब बुक लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास वेलकम इंटेंट है, ठीक है। अब इस वेलकम इंटेंट को हम क्या करने वाले हैं, जरा ये देखिएगा। हम जैसे हाई लिखें इंटेंट हो, लेकिन ये रिस्पॉन्स यहाँ से नहीं आया भाई। रिस्पॉन्स आए हमारे वेब कॉल से। अब इसके दो से तीन तरीके हैं। पहला ये कि हम मशीन के ऊपर डिप्लॉय कर दें हिरोको के उसके ऊपर एनजी रॉक के थ्रू, दूसरा हम हिरोको पे डिप्लॉय कर दें, तीसरा हम इसको डायलॉग फ्लो के जो अपना एनवायरनमेंट है उस पर करें, और एक और एनवायरनमेंट भी है दैट इज कॉल्ड कि हम इसको फायर बेस के ऊपर डिप्लॉय करें। अच्छा ये अगर आप आ जाए तो क्लाउड फंक्शन है, ये आपको कहेगा बिल पे जाना है, हम बिल पे बाद में चले जाते हैं। ये देखें ये इसका कोड लिखा हुआ भी है, मैंने अगर आप नोट कर रहे हैं ये देखें ये कोड इसने बेसिक यहाँ पे आपको दे भी दिया है कि फायर बेस फंक्शन आपको चाहिए होगा, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट आपको रिक्वायर होगी। तो अगर आप देखें जो मॉड्यूल हम यूज करने वाले हैं दैट इज दिस, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया एनपीएम पे आता। देख रहे हैं जनाब आप, तो ये है भाई डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट कैसे जो है वो डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट की लाइब्रेरी हमारे पास चलती है, ठीक है। ये आपने इसको देखना है, इसमें ही लिखा हुआ है कैसे आप वेबबुक को सेटअप करेंगे, ये किस तरीके से आप उसको लेके जाएंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। इसकी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपको गिटहब पे मिल जाएगी। ठीक है जनाब, और कहाँ चला गया, चलिए कुछ सैंपल भी बने हुए फायरबेस के साथ, बाइक शॉप, गूगल एपीआई, कैलेंडर कि आप किस तरीके से जो है वो बुक करवाना चाह रहे हैं, ये पूरा इसके ऊपर एक बनाया हुआ है इन्होंने एक सैंपल ना। तो खैर ये पैकेज हम यूज़ करने वाले, हमें एनजी रॉक चाहिए होगा, आई थिंक मेरे पास हो लेकिन मैं अगेन उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये टूल हमें चाहिए होगा फॉर विंडोज, एक्सट्रैक्ट किया डाउनलोड्स के अंदर हमने एनजी रॉक को रख दिया, और रहमानुल्लाह आपकी अभी तक रिक्वेस्ट ज्वाइन नहीं हुई, ठीक है यार मैं आपको लिंक भेज देता हूँ यार, व्हाट्सएप का लिंक अगर आप इनको साथ शेयर कर दें ज्वाइनिंग करें, ये मैं ही शेयर कर सकता हूँ, चेक करें, मैंने आई थिंक ओपन तो किया हुआ है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमने इसको डाउनलोड कर लिया और दैट्स इट। बाकी हमारे पास नोट वगैरह तो सब कुछ है, ऐसा तो नहीं है ना किसी के पास नोट इंस्टॉल ना हो, कोई है यहाँ पे? ठीक है ना, तो हम ओपन फोल्डर करते हैं, हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हमने लिखा PIAIC Q Batch 37Q4। ये ना, तो अगर आप लोगों को याद हो थोड़ी सी आपकी मेमोरी याददाश्त याद करवाएं, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना होता है अगर आप लोगों को याद हो, npm init, ये क्या लिख रहा है, कीबोर्ड चेंज है। ये कहाँ है? हाँ सॉरी, ये हो क्या गया है, मैंने बोला इतनी तो मेरी याददाश्त नहीं खराब हुई कि मैं लिखने की थोड़े हो गया हूँ। तो npm init या npm -y अगर आप करते तो ये आपके पास package.json बन के आ जाती, तो
तो सबसे पहले आपको ये करना है, फिर आपने लिखना है index.js, देन यू नीड टू एड npm install। एक तो हमें चाहिए होगा एक्सप्रेस जो ऑलरेडी हम देख के आए हैं, एक हमें डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट, और आई थिंक इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अरे सर, क्लास के बाद सर आप नेक्स्ट वीक के लिए कोई असाइनमेंट भी दीजिएगा, कि उस पर हमारा वर्क इजी हो जाता है। ठीक हो गया जनाब, आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ भी है, तो इंशाल्लाह वो असाइनमेंट आप आज की क्लास के बाद जो है उस चीज़ को अचीव क्लास के कर अंदर लें। वो सर करें ना, तो वो फिर कोई ना कोई स्टेप मिसिंग हो जाता है वो स्क्रीन शिफ्टिंग करने में ठीक हो गया जनाब, क्लास के दौरान। थैंक यू सर। ठीक हो गया, तो यहाँ तक बात सही है भाई, कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोगों को पता होगा कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे। अच्छा, एक बेसिक सर्वर पहले खड़ा करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो हम बना देते कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस विच इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। याद है आप लोगों को भाई, कोई भूला तो नहीं? पहले ये सर्वर बनाते हैं, हम लिखते थे ऐप विच इज इक्वल टू एक्सप्रेस दिस, देन वी हैव ऐप डॉट गेट। अच्छा, यहाँ पे हम लेते हैं अपना URI, फिर हम देते हैं अपना एरो फंक्शन जिसमें हमारे पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आता है, और ये उसकी बॉडी आ जाती है। ठीक है जनाब। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से विजिबल हो। ठीक है ना, कंसोल डॉट लॉग हेलो। और ये आ गया नोड इंडेक्स डॉट, सही कर रहा हूँ? बताएं भाई क्या चीज़ मिस है। सर ऐप डॉट लिसन एग्जैक्टली, ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पे हमने दिया गेन एरो फंक्शन, और यहाँ पे हमारे पास आ गया पोर्ट। क्या आएगी भाई हमारे पास? लेट सपोज 4000, और ये हमने दे दिया भाई कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, और पोर्ट इज अप ऑन 4000, राइट? ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास आ चुका है। अगर हम इसको वेरीफाई भी करना चाहें, जस्ट नीड टू गो टू दी लोकल होस्ट, और सही है भाई, क्यों नहीं आ रहा? हेलो वर्ल्ड आ गया। अच्छा हाँ, सॉरी, सही तो आ गया भाई, हेलो वर्ल्ड। कंसोल डॉट लॉग पे आना था, हमने वो नहीं किया। नॉर्डमोन इंडेक्स डॉट जेएस। अच्छा, नॉर्डमोन का भी पता है ना आप लोगों को, ये भी बताया था लास्ट टाइम शायद मैंने। तो हेलो वर्ल्ड आ गया भाई, ये तो वो है जो हमने लास्ट टाइम किया हुआ है, हमें पता भी है किस तरीके से वर्क करता है, ये भी हमें पता है। यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन कि सर ये क्या हुआ, कैसे किया आपने? हाँ भाई, अब हमने बात करनी है वेबहुक की। अच्छा, अगर हम तो क्या बात हो रही थी यार, क्या हो गया कि हमें सबसे पहले क्या लेना है भाई? कॉन्स्टेंट, और हमारे पास आ जाएगा, कहाँ चला गया भाई?
ये देखो, हमने लिया वेब ऑफ क्लाइंट, ठीक है, और वेब ऑफ क्लाइंट के अंदर हमने क्या चीज ऐड कर दी भाई? हाँ भाई, क्या चीज ऐड कर दी हमने? कि डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट आ गया, सही। अब इस ये जो वेब क्लाइंट है ना, सारा काम इसी का है। तो मजे की बात ये कि ये तो हमारे पास रिक्वेस्ट है गेट की, बट वी नीड ऐप डॉट पोस्ट। और अब कौन सी रिक्वेस्ट आ जाएगी भाई? वेब हुक, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पे इसको वेब हुक दे रहा हूँ, सही है। और एरो फंक्शन आ गया, और एरो फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे क्या पास करवाना है ये जरा देखिएगा। यहाँ पे वैसे हम क्या पास करवाते हैं? रिक्वेस्ट, ठीक है, रिस्पॉन्स, लेकिन इसके अंदर मिडलवेयर भी पास कराएंगे जो कि हमारे पास एक्सप्रेस डॉट जेसन। याद है मिडलवेयर क्या करता है? हाँ मिडलवेयर अगर आप लोगों को याद हो, बताया भी था हम लोगों ने लास्ट टाइम, मिडलवेयर क्लियर करता है? ये क्या है, ये कौन सी लॉजिक है? प्लीज भाई ये बताएं, ये कौन सी लॉजिक है भाई? जो वेब बुक है ना, वेब बुक, इसको मिडलवेयर इसलिए रिक्वायर्ड होता है, ये इंटरैक्ट करेगा आपके उसके साथ, अदरवाइज जो है ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है जनाब? क्यों? क्योंकि जब भी आपको डेटा लेके आना होता है, खास तौर पे पोस्ट रिक्वेस्ट में, तो यू नीड अ मिडलवेयर जो कि हमारे पास एक्सप्रेस डॉट जेसन से आएगा, सही है। तो अब देखें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऐप डॉट पोस्ट का ये बना दिया, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कर दिया इसको। अच्छा, अगर इसको हमने, अच्छा अब हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? दैट इज एजेंट। यहाँ पे अगर आप देख भी रहे हो तो ये देखें कहाँ चला गया, ये हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है जनाब? अच्छा, अब इसमें कंफ्यूजन से बचने के लिए ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, कॉन्स्टेंट एजेंट इज इक्वल टू न्यू वेब हुक क्लाइंट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, अब इसको क्या करें, अब इसको भी रिक्वेस्ट कर दें, इसको भी रिस्पॉन्स कर दें, और यहाँ पे फॉर डबल वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट कॉलन रिस्पॉन्स। अच्छा, ये इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, कोई डिफरेंस है भाई? बताएं जी भाई, कोई डिफरेंस इसमें? कोई सर डिफरेंस डबल नहीं है, क्यों हम लिख रहे हैं? कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ये क्या है? ये रिक्वेस्ट तो वो है जो हमें वेब हुक के अंदर आएगी, ये वो रिक्वेस्ट है जो एजेंट के पास जाएगी, हमारे इस वाले के पास, ठीक है? तो डबल लिखने का मकसद ये है कि अगर आप डबल लिखेंगे ना तो भी सेम है, अगर आप ना लिखेंगे तो अब भी सेम है, ठीक है? तो मैं फॉर वेरिफिकेशन आपको दिखा भी देता हूँ बाद में। तो ये वाली रिक्वेस्ट सिंपली फॉलो करती हुई इस वाली रिक्वेस्ट में चली जाए जो कि वेब बुक क्लाइंट की है, ये वाली रिस्पॉन्स ये सिंपली फॉलो करते हुए इस वाले रिस्पॉन्स को फॉलो करे जो कि वेब बुक क्लाइंट का हो। तो अब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का जो सारा क्राइटेरिया है वो किस वेरिएबल के पास आ गया या किसके पास अथॉरिटी आ गई? दिस एजेंट, ठीक है? इसके बाद भाई इस एजेंट के बाद अब हमने कौन सा एजेंट बनाया भाई, अगर आप लोगों को याद हो? सॉरी, कौन सा इंटेंट था जिसके ऊपर हमने वो ऑन किया था, अगर आप लोगों को याद हो बताएं, नाम बताएं। वेलकम तो आए थे। हाँ एग्जैक्टली, तो हमने क्या करना है, वेलकम के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं जिसको नाम रखते हैं वेलकम इंटेंट। इसको हम कोई भी रख सकते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ फंक्शन, राइट? इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ। आप देखें वेलकम इंटेंट के अंदर हमारे पास क्या आ गया,
अच्छा ये सॉरी ये ब्रैकेट आ गई, मैं बोला कि एरर क्यों आ रहा है, ये फंक्शन बना दिया हमने। इस फंक्शन को हमने क्या करना, जरा देखें, हम लिखेंगे एजेंट डॉट एड, जब भी हमें कोई रिस्पांस देना है, कोई चीज़ भेजनी है बैकएंड से अपने उसके ऊपर, तो आपने ये लिखना है कौन सा एड का फंक्शन। और यहाँ पे हमारे पास ये टेल का ऑप्शन आया, हमने यहाँ पे लिखा वेलकम वेलकम टू PIAIC बैकएंड बॉट, ठीक है ना, ये हमने दे दिया और ये हमारे पास आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई भी सवाल हो पूछने की, क्योंकि यहाँ बैकएंड है, आज पहला दिन है, और अगर आप लोगों को ये ना पता हो तो मसला हो जाएगा आगे। पूछें जनाब कोई भी सवाल। सर, वेलकम जो आपने ऐसे ये डाले ऊपर ट्रेंड का साइन, यही डालना क्या? कोमा भी डाल सकते हैं, सिंगल कोमा जो होता है सर। किसके ऊपर, सिंगल कोमा? तो ये वेलकम टू बैक लिखा ना, बैक एंड बोर्ड कोमा हाँ, उसके इस पे आप अंदर। ठीक सिंगल सिंगल पे, ये मल्टी लाइन है असल में, अगर आप देखें सर, ये मैंने आपको शायद बताया भी था, स्ट्रिंग की तीन तरह की है, एक हम इस तरीके से करते हैं। इस वाले में क्या फायदा होता है, अगर हमें कोई वेरिएबल लिखना है तो वी जस्ट नीड टू ऐड डॉलर साइन, और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लेट सपोज एजेंट लिख दिया तो ये आ गया। दीज आर द थिंग्स राइट, अगर हम टिल्ड वाले उसके अंदर रखें। तो यहाँ तक कोई और सवाल पूछें प्लीज। पूछे जनाब कोई भी सर चीज ये पूछ। मिडिल वेयर जो आपने यूज किया है, पहले हम जो करते थे वो ऐप डॉट यूज करके करते थे, तो आपने इसमें बिल्कुल, कोई फर्क है? ऐप डॉट यूज ही है, एक्सप्रेस डॉट जेसन करें या ऐप डॉट यूज करें, एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट ही जो है वो ऐप है, ऐसे ही ना भाई, ओके समझिए जी जी कोई डिफरेंस है इसमें, मैंने यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, बात तो एक ही है, ये एक्सप्रेस ही पूरा ऐप के अंदर आ गया। सही है भाई, वैसे हमने ऐप ऐप नहीं किया होगा यार, एक्सप्रेस डॉट जेसन ही होगा, कंफर्म कर लो सर, मेरा नहीं ख्याल ऐप होगा, चेक कर लो आप। सर बैकएंड नोट जेस में है जी, बिल्कुल नोट जेस के अंदर है। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, अब क्या करना है, अब हमें इसके अंदर एक फर्दर एक चीज ऐड करनी है, दैट इज कॉल्ड इंटेंट मैप। अच्छा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखने पड़ेंगे लेट, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, लेट सपोज इंटेंट मैपिंग राइट, और ये बराबर है हमारे पास न्यू मैप। अच्छा मैप आप लोगों को पता है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है नोड जेएस के अंदर, लाइक स्ट्रक्चर उसके क्या कहते हैं डिक्शनरी, जिसके अंदर हम दोनों चीजें इसके अंदर सेट करते हैं, की एंड वैल्यू। सही है, तो अब जो हमारे पास इंटेंट मैप है, इंटेंट मैपिंग डॉट सेट, इसको हम सेट करेंगे हमारा फंक्शन और हमारा इंटेंट का नाम। इंटेंट का नाम क्या था, ये आ गया, ये मेक श्योर कीजिएगा यही होना चाहिए, कॉमा फंक्शन का नाम क्या, वेलकम इंटेंट। ठीक है जनाब, हमने एक इंटेंट मैप बनाया जिसके ऊपर ये हमने इस तरीके से जीन दे दी। यहां तक कोई कंफ्यूजन प्लीज पूछें। सही है, मैपिंग से क्या मुराद है? ऑब्जेक्ट बना दिया आपने। बिल्कुल, हम सेट करवा रहे हैं कि जब ये वाला इंटेंट ट्रिगर हो तो ये वाला फंक्शन जो है वो चले, समझ आई बात? ओके सही है भाई, कोई कंफ्यूजन? हाँ भाई आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो पूछें जनाब। चलें जी, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इसलिए थोड़ा स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ, ताकि एक तो कोड सिंटेक्स आपके जेन में आए, दूसरा आप लोगों को पता चले कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अच्छा भाई अब हमें क्या करना था, ठीक है नाउ इस, ये जो हमारे पास इंटेंट है ये कहीं ना कहीं हैंडल भी तो होगा ना यार,
तो हम इसको करेंगे एजेंट डॉट हैंडल रिक्वेस्ट। ये देखें ऑटोमेटिकली आ गया कि ये इसका वो है। इस हैंडल रिक्वेस्ट के अंदर आपने ये इंटेंट मैपिंग ऐड कर दी। तो एजेंट से ही सब कुछ शुरू होगा, एजेंट पे सारा खत्म होगा और ये इस तरीके से हमारे पर वर्क करेगा। क्लियर है जनाब? कोई कंफ्यूजन टिल नाउ तो पूछें जनाब, कैसे फ्लो इसका बना, कैसे ये चीज़ यहाँ से आई और किस तरीके से जो है ये यहाँ पे हमारे पास वर्क करेगी। अच्छा नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? अब हमें इस चीज़ को उसके ऊपर लेके आना है, क्या कहते हैं, एनजी रॉक के ऊपर। ठीक है, तो एनजी रॉक के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी? हम एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं, बल्कि पहले हम यहीं पे वो ले आते हैं, एनजी रॉक ले आते हैं। ये हमने किया, ठीक है ना, डाउनलोड्स पे गए, ये देखें ये एनजी रॉक मैंने कॉपी किया, ये हम आए, ये मैंने इधर ही रख दिया। अब हमें पोर्ट 4000 के ऊपर एनजी रॉक को ऑन करना है, तो हम क्या करेंगे भाई? हम लिखेंगे ठीक है एनजी रॉक, ठीक हो गया, और टीसीपी 4000। क्या मिस्टेक कर दी भाई हमने? पर HTTP तो नहीं हो गया? नहीं, हम TCP को ऑन कर रहे हैं, बल्कि सॉरी HTTPS करना था हमें, पर HTTP से HTTPS सेंड में रिक्वेस्ट। कन्वर्ट हाँ होगा ना? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना यार, इसमें असाइन दूंगा मैं, वही बोलूँ क्या प्रॉब्लम हुई है। इसकी की नहीं लगी हुई, वो की हम लगा देंगे तो फिर वो आएगा। क्रिएट एन अकाउंट, यस, ये ऑथेंटिकेशन टोकन लिया आपने, ये आपने प्लेस किया, क्या कह रहा है भाई? ठीक है जनाब, एनजी रॉक हमारे पास आ चुका है ना, ये हमने कमांड लिखी डॉट स्लैश 4000। ठीक है ना, तो ये हमारे पास HTTPS का इसका लिंक आ गया, फॉलो द लिंक कॉपी, एंड नाउ वी नीड टू गो और तो नहीं आ रहा भाई, बहुत सारी ऐप है। ये ना, तो ये हमारे पास आ चुका है यहाँ पे, सही है, कंफर्म है, ये आपके पास चल चुका है, हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया, सर्वर इज अप एंड रनिंग। सो नाउ अब हमें क्या करना है, हम जाएंगे फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट में जाने के बाद वेबहुक पे, वेबहुक पे जाने के बाद HTTPS, इसको हम कर देंगे आप सेव। अब अगर आप लोगों को याद हो, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाय तू भाई, ये कहाँ से आ गया, हमने तो ये रखा ही नहीं था। ओह सॉरी, मैंने सेव नहीं किया था, आई थिंक सो। नहीं कह रहे भाई, अभी तक ट्रेन नहीं हुआ हमारा, डिफॉल्ट आ गया, नॉट अवेलेबल आ रहा है। क्यों जनाब, क्यों नॉट अवेलेबल आ रहा है? ओके आया, गेट पे आया, ठीक है, HTTPS एंड दिस।
क्या गलती है बताएं भाई, चलें सवाल, गलती क्या है, मान जाऊंगा भाई, जिसने गलती पकड़ी मान जाऊंगा उसे, क्या गलती है बताएं भाई, सामने नजर भी आ रही है गलती। वार भी यूज कर सकते सर ये हैं, कैट की रिक्वेस्ट शायद फेविकोल डॉट आईसीओ पे जा रही है। नहीं नहीं सर, सर सर, 4000 थी ना, अब 4040 हाँ, है। नहीं ये तो उसका वो है वेब इंटरफेस है, ये तो 4000 ही है ना, ये देखे ना कहाँ चला गया, ये रहा यहाँ पे आ रहा है 4000 ही है। बताएं भाई बताएं, मैं भी मानूंगा आज आप लोगों को कि वाकई में आप लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं कि मैं समझूं, सामने सामने लिखा हुआ भी है स्क्रीन को, अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको शायद वो नजर आ जाएगा, जस्ट पढ़ें गौर करें फोकस करें क्या चीज इसमें मिस है, सोचें सोचें। सर रिस्पॉन्स सेंड कर दिया आपने? रिस्पॉन्स को सेंड कर दिया? कॉल बिल्कुल ओके है, स्लाइटली सी एक मिस्टेक है, नहीं बता दूं पर इस लाइन में सर ऐप डॉट यूज करना होगा मेरे ख्याल से, मिडलवेयर शायद, आई डोंट नो। नहीं, दोबारा सोचें इस लाइन में मिस्टेक है। सर ये जो येलो ब्रैकेट आई है पोस्ट के आगे, ये क्लोज हो रही है? सर ये इसका यूआरएल सही नहीं है, वेबहुक पे है। देखा ये पकड़ा ना, ये आपने सही पकड़ा भाई, हाँ भाई आ जाओ तो आ जाओ, ठीक है जी आप आ गया जनाब, रिस्पॉन्स ले आए हम, तो अब आप जाएं और मेरे इस वेबबुक को लगाएं तो देखें आपके पास भी आ रहा है ये, जल्दी से चेक करें, और मैं यहाँ पे बकायदा क्या चीज़ ऐड करता हूँ जिससे यूनिक हो जाए, मतलब आपसे हम कंसोल डॉट लॉग चेक डेटा, ठीक है जनाब अब ये रिस्टार्ट हो गया अगेन, मैं दोबारा इसको लिखूंगा हाय, तो आप देखें ये कितना स्पीड से जो है वो डेटा लेके आ रहा है, मतलब पहले यहाँ गया, इसने अपना बैकएंड चलाया, बैकएंड से ये मेरे सर्वर पे ऐसे हाइट किया, हाइट करने के बाद ये आया दोबारा रिस्पॉन्स लिया लेके चला गया, समझ आई भाई बात, क्लियर है यहाँ तक? सर यूआरएल इधर पेस्ट कर दें, फिर हम इसको चेक करते हैं। किस चीज को? हाँ ये मैं आपको देता हूँ, जस्ट आप सिंपली जाएं और ये आ जाएगा। अच्छा अभी अभी नहीं करें इसको, एक काम करते हैं इसके अंदर हम कुछ ऐड करते हैं, जैसे ये नाम भी गेट करें, अब हम चाह रहे हैं, अब इसके अंदर देखें हम चीज़ क्या ऐड कर रहे हैं, देखें जरा इस चीज़ को, हम चाह रहे हैं कि भाई जो हमारे पास पैरामीटर हम इसमें सेट करें ना हाई लिखने के बाद, मिसाल के तौर पे मैं इंटेंट पे आया, वेलकम पे ही आया, और
इस वेलकम इंटेंट के ऊपर हम सवाल लिखते हैं, माय नेम इज महीम, ठीक है? तो ये पर्सन आ गया भाई, सही है? अब इसको हमने जो है वो कैटर करना है, सही है? और इस चीज को जो है हम वहां पे लेके आएंगे। अब वो किस तरह आएगा मैं आपको भी समझाता हूँ। ये हमने लिया, इसको हमने रिक्वायर्ड बनाया, वर्ड इज योर नेम, ठीक है ना? ये हमने सेव किया, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है ना? माय नेम इज ठीक है भाई, वकास इसने उठा लिया और ये यहाँ पे इसने रजिस्टर कर दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि वेलकम टू वकास एट PIAC बैकेंड बॉट। तो वकास जो यहाँ पे आया है ये बैकेंड से ही यहाँ पे आए, समझिएगा। तो किस तरीके से होगा सोचें जरा। यहाँ पे हम आएंगे, अब हमें पहले वो डेटा गेट करना है। तो किस तरीके से हम उसको गेट करेंगे? पहले हम करेंगे लेट या वार ले लें, आप कंफ्यूज ना हो रहे हो ना आप लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे यूजर डेटा विच इज इक्वल टू एजेंट डॉट पैरामीटर्स। ये आता है किसमें? पैरामीटर्स में, पैरामीटर का नाम। अब पैरामीटर का नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई? नाम देखिएगा, नाम पर्सन, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया दिस, क्लियर है बात यहाँ पे? उसने हमसे मांगा कि भाई क्या चीज है, और वो हमने उसको दे दी यहाँ पे। बात क्लियर है यहाँ तक? तो पैरामीटर पर्सन लिखा है, तो अगर इसके अलावा और भी हम नाम एंटर करेंगे तो वो फिर इशू नहीं होगा? सॉरी यार, मतलब एक मिनट रुको, मैं कॉल एक अटेंड करूँ। अच्छा भाई, तो क्या बात हो रही थी कि अगर आपने मल्टीपल मंगवाने तो मल्टीपल भी आ जाएंगे, इसमें कोई मसला ही नहीं है, ठीक है? तो पहला तरीका ये कि हमने किस तरीके से यहाँ पे पैरामीटर को ले लिया। अब जो ये डेटा आएगा ना, अब मैं आपको डेटा दिखाता हूँ ये किस तरीके का आएगा। कंसोल ठीक है ना? अभी सर्वर ऑन किया, हाँ लिखा,
नेम इज वकास, ठीक है ना, वकास इसने ले लिया। और ये देखा, डेटा आ गया, चेक डेटा ये आया, ये इसका आ गया, और ये हमारे पास डेटा आ गया। अब मसला ये है, ये डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में, बाहर तो जेसन लग रहा है लेकिन ये है स्ट्रिंग। सबसे पहले हम इस डेटा को क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंगिफाई करके जेसन में कन्वर्ट करेंगे अगर करना है इसको आगे यूटिलाइज करें, या अगर हम इसको यहाँ से उठाएं मिसाल के तौर पर और वेलकम टू वकास एट, और यहाँ पे हमने डाल दिया डॉट, ठीक है जना, वेलकम टू दिस एट PIC बॉट, क्लियर है बात यहाँ तक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर हम जाएं वहां पे और मैं यहाँ पे लिखूं हाय माय नेम इज सोहेल, वेलकम टू सोहेल एट PIAC बैकएंड बॉट, समझ आया जनाब कि किस तरीके से पहला और दूसरा वो हमने लिखे यहाँ पे चीज आ गए। क्लियर है यहाँ तक बात? तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग जल्दी से जाएं फौरन, और फुलफिलमेंट में मैं आता हूँ, ये मैंने आपको लिंक दे रहा हूँ। तो अब आपने करना है कुछ नहीं, आपने जस्ट ये बनाना है, ये बॉट बनाना है, ये सिंपल वेलकम इंटेंट में ही जाना है, ये माय नेम इज फहीम करना है, पैरामीटर भी आप सेम ही रख देंगे, नेम उसका लाजमी पर्सन होना चाहिए, फुलफिलमेंट इंटेंट को आपने ऑन कर देना, ठीक है जनाब। जल्दी से बनाएं और उसको रिक्वेस्ट भेजें, जैसे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मेरे पास उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, देख रहे हैं आप, अपने नाम के साथ जैसे आप भेजेंगे तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, इट मीन्स कि आपने टास्क कंप्लीट कर लिया। तो जल्दी से जाएं और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, आपके पास अभी हैं 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट का टाइम है, और आप इस चीज़ को अचीव करें प्लीज़। हेलो जी, सर, ये आया है अपडेट पे? मैंने अभी लिखा है तो मुझे आया है, वेलकम टू PIC पोर्टल, हाउ कैन आई हेल्प यू, और नेम में मोहसिन भी नीचे सेव हुआ है। तो आपके पास अपडेट हुए? नहीं मोहसिन तो नहीं आया मेरे पास, सिर्फ चेक डेटा आया एक दफा, खाली है उसके अंदर, मोहसिन नहीं आया। मैं ये हाई करता हूँ, वेलकम टू PIC पोर्टल, हाउ कैन आई हेल्प यू, माई नेम इज मोहसिन। आपने उसमें पैरामीटर डाला है? सर पैरामीटर मैंने इसमें जो वेलकम इंटेंट है ना सर, उसको रिक्वायर्ड भी करना है। ओके सॉरी, ये रिक्वायर्ड भूल करना है तब वो आएगा, तब वो आपसे नाम पूछेगा, उसका प्रॉम्प्ट भी लगाना है। गया। व्हाट इज योर नेम, यही लगा देना प्रॉम्प्ट। बिल्कुल, ठीक हो गया, सेफ।
सर ये प्रॉम्प्ट जो है एंटिटी, ये सिस्टम पर्सन होनी चाहिए ना। जी, ये पर्सन होनी चाहिए और इसका नाम भी पर्सन होना चाहिए। देखें पैरामीटर नाम, ठीक सर। पैरामीटर और नेम, बिल्कुल। तो नीचे रिस्पांस में फिर इसको ऐड करना है डॉलर साइन के साथ। ठीक नहीं, आपको रिस्पांस में कुछ नहीं करना, रिस्पांस सारे डिलीट कर देने, फुलफिलमेंट के ये जो है ना चेक, इसको आपने लाजमी ऑन करना। तब जो है वो रिस्पांस आपका सर्वर पे जाएगा और पीछे आपने वो फुलफिलमेंट में लिंक भी इंटीग्रेट करना है, वो क्या किया है सर। बस। तो फिर ये आपका काम हो जाएगा। माय नेम इज मोहसिन। आ नहीं रहा। सही है। मैंने वेब हुक को इनेबल किया है यूआरएल में, जो आपने यूआरएल दिया है वो पेस्ट किया है और इसको सेव कर दिया। सही है। उसके बाद मैं इंटेंट्स में गया, मैंने वेलकम इंटेंट खोली, उसमें मैंने एक नया वो फ्रेज ऐड किया, माय नेम इज अली। वो उसने सिस्टम डॉट पर्सन के हिसाब से उसको पकड़ लिया, रिक्वायर्ड कर दिया, और व्हाट इज योर नेम मैंने प्रॉम्प्ट डाल दी। नहीं, आपने गलत डाल दिया, आपने स्क्रीन शेयर करें, आपने सर्वर ही क्रैश कर दिया। ना करें सर, हाँ, ऑन करें, स्क्रीन शेयर करें अपनी। मैं करता हूँ सर। चलिए आ गया आपके पास। जी बिल्कुल, आ गए नीचे आए। सबसे पहले सबसे सर मैंने हो गया नीचे, सर, वैसे कर सही है। दिया। माय ठीक नेम अली, ये है, मैंने नीचे ऐड आए, ठीक किया। है, नीचे आए। हाँ सही है, और नीचे आए, सही है, ठीक है। और इसको हाय तो ना करूँगा। हाय लिखें, हाय लिखें, माय नेम इज, ठीक है, नॉट अलेबल। अब इस पे आए, फुलफिलमेंट में है, URL सर ये चेंज तो नहीं हुआ, आपने जो दोनों दफा दिया वो सेम ही था ना। सेम वेब हुक होना नहीं चाहिए। आप उसमें आए, आपने इंटेंट का नाम तो चेंज नहीं किया, इंटेंट के नाम पे है। हाँ देखा ना, चेंज किया हो ना आपने, अच्छा डिफॉल्ट इसको, डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट है। ओके ठीक। देखा, डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट, ये हाँ सही है, सेफ करें। कैप्स तो ठीक है ना, ये जो जी, बिल्कुल एमएल सही, केस है ये जो भी जी है, जी अब इसको सेव करें आप। हो गया सर। अब आप आए, अब लिखें, स्टिल दोबारा स्टिल। ट्राई हाँ करूँ। एक मिनट रुकिए, मैं चेक करूं क्या मसला है भाई। डिफॉल्ट आ गया, सही है, एक मिनट रुकिए। सर्वर ही क्रैश तो नहीं कर दिया आपने दोबारा, सर्वर ही क्रैश है। सर भाई दोबारा तो जाए ना फुलफिलमेंट में, वहां सेव करके दोबारा इसे लिखें तो फिर मेरे ख्याल से आ जाएगा। बकास आपका तो आ गया, इनका जी सर्वर सर, असल में क्रैश हो गया था, दोबारा करें सर यहाँ सर्वर। सेव कर रहे हैं नीचे, यहाँ सेव कर कर अब लिखें यहाँ हाय। हाँ ठीक है जनाब, ओके ठीक हो गया सर, अब ये हो गया। सही है। तो अब समझ आ गया कि भाई क्या था, किस तरीके से करना था। तो अब आप देखें, बैकएंड हमारा है, मैंने मेरा बैकएंड चल रहा है, जी, और यूज आपके पास भी हो रहा है, वकास ने भी कर लिया, आप भी आ गए। अच्छा भाई, बाकी बाकी जो है वो क्या कर रहे हैं भाई, सर मेरा चेक करें उस्मान के नाम से। उस्मान के नाम से ना। रुकें जनाब, उस्मान साहब, हम अभी देखते हैं आपका भी। सारिम आ चुका है, मोहसिन आ चुका है, वकास आ चुका है, माय नेम इज उस्मान आ चुका है। उस्मान ओके आपका थैंक यू।
आपका पूरा नाम आ चुका है, ठीक हो गया। व्हाट इज योर नेम, आपने आंसर में व्हाट इज योर नेम डाल दिया, वाह नाइस। तो ये देखें जनाब, इस तरीके से जो है ये आपके पास बैकएंड वर्क करता है। यहाँ तक कोई सवाल कोई क्यूरी तो पूछ लें भाई, तो सर ये कैसे वर्क हुआ, कैसे किया, क्या हुआ, पूछें जनाब। सर वो आप कह रहे थे तो वो स्ट्रिंग में है नाम जो है, वो आपने उसे जैसन में किया था वो जो ऊपर आपने डॉलर साइन लगा कर लिखा था। अच्छा नहीं, इसको जस्ट मैंने डॉट लगा के नेम उठाया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने उठा लिया, ये डायरेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट से आ गया। मतलब अगर प्रिंट कराने के लिए आपको चाहिए तो स्ट्रिंगिफाई कर लें, समटाइम उसके अंदर वो वैल्यूज आपको मिल जाती हैं सही होकर, लेकिन ये वैसे ही चल गया। अच्छा नेक्स्ट, अभी हमें क्या करना है, यासिर साहब भी आ गए हमारे पास, ठीक हो गया यासिर भाई। अब हमें क्या देखना है, अच्छा भाई एक मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, शायद याद होगा, एड टू नंबर्स। ये ना मैंने एक ऐड नंबर का यहाँ पे ये बनाया, मैंने आप लोगों को कहा था ऐड टू नंबर्स के नाम से, यानी कि दो नंबर आपको मैं बोलूँ और उसको आपने ऐड करना है, शायद याद हो आप लोगों को टास्क दिया था मैंने 2 हफ्ते पहले। यहाँ पे आया मैंने लेट सपोज लिखा द फर्स्ट नंबर इज 23, ठीक है। और द सेकेंड नंबर इज दिस, ठीक है। आ गया भाई, अब ये दोनों हो गए सेम, हमें हमने इन दोनों को सेम नहीं करना, ठीक है। ये आ गया दिस, ठीक है, 01। और ये हम करेंगे सिस्टम नंबर कॉलन नाम अंडरस्कोर 02, हाँ चला गया भैया। फिर आप अपनी एंटिटीज बना रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको भी बताता हूँ ना किस तरीके से। द फर्स्ट नंबर इज 23, इसको हमने कर दिया यहाँ से रिमूव, ठीक है जनाब। और यहाँ पे हमने इसको उठाया, ठीक है जनाब, इस वाले को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, और ये हमने सेस सेस डॉट नंबर, ठीक है ना, ये आ गया। देख रहे हैं आप, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट सपोज 01 02, नंबर 01 नंबर 02, ये क्या था भाई, ये तो नहीं लिखा हमने। ये ना उसको हमने मार दिया सेव, तो ये आपके सामने दोनों नंबर आ गए, एक ये नंबर आ गया एक ये नंबर आ गया, num1 num2, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया सेकंड, सी वन,
फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? बताएं कि क्या हुआ सर? अभी तो सिर्फ नंबर में साइन किए और उनका पैरामीटर चेंज कर दिए। अच्छा सही है। और इसके अलावा कोई जमा क्वेश्चन? किसका करेंगे, इसके लिए कोई लॉजिक लिखनी पड़ेगी। क्या चीज? ऐसे जमा कैसे करेंगे, सम कैसे करेंगे? यही तो काम है जो बैकएंड से करना है हमें, ठीक समझ हो आइए ना। जी सर। ये अब कैसे करेंगे, यही तो काम करना है हमें भाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रुके मैं आपको बताता हूँ। अच्छा भाई, तो लास्ट सनसेट हो गया आप लोगों की तरफ मेरे ख्याल से। हाँ भाई, ऐसे ही हुआ है। 2023 का आखिरी सूरज ग़ुरूब हो चुका होगा, क्योंकि तकरीबन 6 बज गए हैं आप लोगों के पास। जी सर, हो गया। और हम आ गए यहाँ पे, ठीक हो गए जनाब। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन ऐड करना है, जिसका नाम हम रख लेते हैं लेक्चर फंक्शन। ऐड नंबर, जिसके अंदर एजेंट ऐड होगा, और यहाँ पे हमने अब ऐड करना है var num underscore 01 which is equal to agent dot parameters। आ जाएगा भाई, पैरामीटर में क्या आएगा, क्या था क्या था, नाम 0 पर नम अंडर स्कोर 0। ना और क्या आएगा अब हमारे पास? सही है, ये दोनों हमने ले लिया। अब दिस सम ऑफ क्या था जनाब, द सम ऑफ भाई, किस चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है? कोई दूसरी क्लॉस लगाई हुई है क्या? चलें जनाब, तो नम वन और नम टू का हमने वो बना दिया फंक्शन, और उस फंक्शन को जो है हम वो हाल पे लेके चले गए। यहां तक कोई कंफ्यूजन? प्लीज बताएं जनाब। आगे बढ़े, अब क्या करना है? ये हमारे पास इंटेंट आ चुका है। अच्छा भाई, चेक डेटा, माय नेम इज मोहसिन, ओस्मान, सॉरी उस्मान भाई, आपको फिर आ गया।
और अब हमें फर्दर इसके अंदर अगेन इंटेंट मैप करना है, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्या रखा था यार हमने नाम, एट ऐड नंबर नंबर, और कॉमा हमारे पास फंक्शन है ऐड नंबर्स। ठीक हो गया जनाब, तो हमने ये कर दिया यहाँ पे इंटेंट मैप और ये सब कुछ हो गया। तो अब अगर हम इधर जाएं और यहाँ पे लिखें हाय, तो ये तो वो ले आया, और मैं कहूँ भाई ऐड टू नंबर्स। आप ये क्या हो रहा है भाई, हम उसी इंटेंट के अंदर आ गए हैं, क्योंकि जब तक हम वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। एड टू नंबर्स, टेल मी द फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट नंबर इज 54, ठीक है भाई। द सेकेंड नंबर इज 87, क्या हुआ, क्या वजह बनी, पता है क्या रीजन है कि हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा ये सवाल मैं रुक से आप पता है क्यों पूछता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे सर पता नहीं क्यों आप पूछते हैं बार 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 बार, हमें जो है वो आजमाइश में डाल देते हैं। हाँ तो सेव नहीं करना नाम ने। सर, इस नंबर को हम किसी थर्ड वेरिएबल में सेव करें और फिर कॉल करें। सर नहीं स्ट्रिंग में था शायद, जब ही नहीं हो। नहीं सोचें प्लीज सोचें, बता दो बता दूं भाई। टेक्स्ट रिस्पॉन्स में डेटा डालेंगे सर, नहीं कोड दिखाएं। कोड कोड सही है, चलो इतना बता दूं। फुलफिलमेंट में जाके दबा एकदम बिल्कुल, यहाँ पे हमने इसका फुलफिलमेंट ही ऑन नहीं किया हुआ। चल जाएगा। ठीक है जनाब, हो गया आ गया सम। तो अब तो मेरे ख्याल से, यस सर, अब तो आप मेरे ख्याल से कैलकुलेटर बना ही सकते हैं। हाँ भाई कैलकुलेटर बना सकते हैं, नहीं लिखे हैं जनाब टास्क लिखे हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा। टास्क लिखे हैं मेक अ कैलकुलेटर, ठीक यस सर। है। अब उसके अंदर आप यूज करेंगे यहाँ पे ऑपरेटर के लिए कस्टम एंटिटी। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने लिखा प्लस, सिनोनिम देंगे आप प्लस एडिशन ऐड सम माइनस सब्ट्रैक्शन माइनस डिफरेंस ठीक है जनाब। और क्या आ जाएगा इसके बाद, सोचें सोचें। ठीक है ना, अब इसके अलावा भी कुछ हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी। सर
यहाँ तक सब कुछ सेट है तो बताएं प्लीज। सर यहाँ पे एंटिटी का नेम ऑपरेटर्स लिखें। वैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, इट डिपेंड ऑन यू, जो आप लिखेंगे वही वहां पे आपने यूटिलाइज करवाना। ठीक है जनाब, बात क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई क्यूरी तो पूछें जनाब। सही है, अब आप लोगों ने इसके नेक्स्ट नाम, वीक के लिए टास्क जी जी बिल्कुल, ये नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तक आपको लोगों का टास्क है, ये आप लोगों ने करके आना है। और तो ये आप लोग कर लेंगे तो मेरे नहीं ख्याल इसको हम अचीव ना कर सकें। नेक्स्ट हम इसको ये करेंगे कि हम इसको इवन डेटाबेस में गिरा देंगे, बोले तो MongoDB में, अगर आप बोलेंगे तो हम इसको माए उसमें भी करवा सकते हैं, MySQL के अंदर भी करवा सकते हैं। तो जौन सा आप कहेंगे हम उसके ऊपर दोनों पे देख लेंगे, अगर टाइम हुआ तो दोनों को देख लेंगे, किसी एक के ऊपर हम वैल्यू इंसर्ट करके उसका रिकॉर्ड हम चेक कर लेंगे कि अभी डेटा का, यूजर का डेटा हमारे पास आ चुका है। अच्छा, हम अगर माई सीक्वल करेंगे तो उसमें ये बेनिफिट है कि वो रिलेशनल है, और जो दूसरा होगा वो हमारे पास नॉन रिलेशनल है। ठीक है ना, तो आपको पता ही होगा रिलेशनल नॉन रिलेशनल में क्या डिफरेंस है, तो ये मेजर इसके इसके अंदर आता है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी तो पूछें। जी जनाब, सेट है तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास जनाब, आज वैसे भी लास्ट डे है तो यहीं तक रखते हैं। वैसे छुट्टी होनी चाहिए थी लेकिन हमने कहा नहीं, डॉकर में रिलेशनल डीबी में करवाएं, करवा दें। चलें ठीक है, मैं डॉकर, हाँ सही है, इसको हम कंटेनर्स के थ्रू भी जो है अप करके इसको करेंगे ताकि आपको वो वाला जो है टेक्सचर भी मिले। ठीक है, तो ये हम पूरा कोड जो है इसको हम कंटेनर में बर्न कर देंगे, और करने के बाद इसको हम किसी भी थर्ड पार्टी कंटेनर API से ऑन करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम देख लेंगे। ठीक है जनाब, दोनों करवा देंगे, अभी अभी है हमारे पास टाइम। आई थिंक अभी हम 6 क्लासें हैं, तो तकरीबन 6 से 7 क्लासें हैं। हम एक में वेदर बॉट भी हमने बनाना है, हम API से भी डेटा लेके आएंगे वो भी हमने देखना है, तो ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम करेंगे आगे फर्दर। तो यही तक रखते हैं क्लास, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। टास्क लाजमी करके आना है आप लोगों ने, मैं इंडिविजुअली पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, ताकि जो है ना हम इसको करें। यासिर भाई मुझे बस याद कराइएगा, ठीक 2 घंटे बाद मैं आपको ये फ़ौरन जो है वो कर दूंगा। ठीक है, कोड मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इवन गिटहब पे भी मैं इसकी रिपोजिटरी बना देता हूँ, और मीनवाइल ये कोड मैं भी आप लोगों के साथ चैट में भी शेयर कर रहा हूँ, और चैट में मैं फाइल की फॉर्म में भेज देता हूँ। ये लें भाई, फाइल क्यों नहीं जा रही, फाइल 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 फ्रॉम योर कंप्यूटर टू दिस वन, गोइंग टू डेस्कटॉप, ठीक है जनाब। तो मैंने चैट में भी आप लोगों को भेज दिया, और इवन मैं इसकी गिटअप की रिपोजिटरी बना दूंगा ताकि आप वहां से भी इस चीज़ को एक्सेस करें। तो अपना ख्याल रखिएगा भाई, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नए साल के साथ, नए गोल्स, नई उम्मीदों के साथ। अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए जो गलतियाँ हों उस चीज़ में हमें माफ़ फरमाएं, और आगे जो है उसको ना करने की तौफीक दे। ठीक है जनाब।